भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सब भैया बहनी कहे राम राम। आप सब हमरे लिए यहां पे सुबहिए से अगोरत हो। हम आप सब के कर्जा में डूब गए। आपके इस कर्ज को मैं और ज्यादा मेहनत करके चुकाऊंगा। साथियों, 4 जून बहुत दूर नहीं है। आज पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि मोदी सरकार की हैट्रिक बनने जा रही है। नई सरकार में मुझे गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए बहुत सारे बड़े फैसले लेने हैं और इसलिए मैं बाराबंकी और मोहनलालगंज के लोगों से आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। साथियों, आज आपके एक तरफ देश हित के लिए समर्पित बीजेपी एनडीए इसका गठबंधन है और दूसरी तरफ देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए इंडी गठबंधन मैदान में है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, ये इंडी वाले ताश के पत्तों की तरह बिखरना शुरू हो गए हैं। यहां जो बबुआ जी है, बबुआ जी यानी हमारे समाजवादी सहजादे, अब उन्होंने एक नई बुआ की शरण ली है। ये उनकी नई बुआ जी है बंगाल में। अरे, बंगाल वाली बुआ जी ने कह दिया है, इंडी वालों को कहा है कि मैं आपको बाहर से सपोर्ट करूंगी। इंडी गठबंधन की एक और पार्टी ने दूसरी को कह दिया है, खबरदार, जो हमारे खिलाफ पंजाब में बोला, पीएम पद को लेकर भी सबके सब मुंगेरी लाल को भी पीछे छोड़ रहे हैं। इनके सपनों की इंतहा देखिए। कांग्रेस के एक नेता ने कह दिया,
कि रायबरेली के लोग प्रधानमंत्री चुनेंगे। ये सुनते ही समाजवादी साहेबजादे का दिल ही टूट गया। बस आंसू नहीं निकले लेकिन दिल के सारे अरमा बह गए। अब आप बताइए इस आप सब लोग इतने तेज तरार है कि सारी बात इशारा इशारा में समझ लेते हो। अब आप बताइए इस उटपटांग खिचड़ी को आप लोग वोट देकर अपना वोट बर्बाद करोगे क्या? कोई भी अपना वोट बर्बाद करना चाहेगा क्या? अच्छा होगा यहां बाराबंकी में, मोहनलालगंज में भाजपा का सांसद हो, भाजपा सांसद आपके लिए दिल्ली से ज्यादा योजनाएं लेकर आएंगे। भाजपा सांसद यहां के विकास के लिए ज्यादा काम करेंगे और ये इंडी गठबंधन वाले अगर वो सांसद बनता है तो उसके पास क्या काम होगा? उसकी पार्टी उसको क्या काम देगी? उसका यही एक मापदंड होगा कि तुमने मोदी को एक दिन में कितनी गालियां दी, तुमने मोदी को कितनी बड़ी गाली दी, क्या तुम्हारी गाली में कोई ताकत थी क्या ताकि मोदी परेशान हो जाए? अगर आपने इंडी गठबंधन के सांसद को चुना तो उसको यही काम होगा, सुबह उठो मोदी को गाली दो, दोपहर में दो गाली दो, शाम को चार छह वार डाल दो और फिर सो जाओ। आप मुझे बताइए भाई, आपको अपने घर में अगर किसी सहायक की जरूरत पड़ती हो, आपके दुकान में, आपके व्यापार में, तो आप उसको लेंगे और कहेंगे भाई ये 10 काम करने हैं तुमको, तुम्हें इतना तनख्वाह मिलेगा, मेरे ये काम तुझे पूरे करने हैं। कोई ऐसा आदमी रखेगा कि भाई तुमको मेरी दुकान के बाहर खड़े रहना है और सामने वाले को बस गाली देते रहना है? इसके लिए कोई तनख्वाह देगा क्या? इसके लिए कोई किसी को रखेगा क्या? कोई समझदार आदमी ऐसा करेगा क्या? क्या गाली देने के लिए हम किसी को रखते हैं क्या? तो गाली देने वालों की जरूरत क्या है भाई? आपको तो काम करने वाले सांसद चाहिए, आपका भला करने वाले सांसद चाहिए। 5 साल मोदी को गाली देने वाले नहीं, क्षेत्र का विकास करने वाले सांसद चाहिए और इसके लिए आपके पास एक ही विकल्प है, ओनली कमल।
और इसलिए बाराबंकी से बहन राजरानी रावत जी और मोहनलालगंज से भाई कौशल किशोर जी को हर बूथ पर विजयी बनाना है। साथियों, जब देश में दमदार सरकार होती है तो फर्क भी साफ साफ दिखता है। कमजोर सरकार का क्या है, आज है कल नहीं है। कमजोर सरकार का पूरा फोकस इस बात पर होता है कि किसी तरह उनकी गाड़ी चलती रहे, समय पूरा हो जाए। आप मुझे बताइए, यहां नौजवान भी है किसान भी है तो बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। आप मुझे बताइए, 100 सीसी के इंजन से 100 सीसी के इंजन से आप 1000 सीसी की रफ्तार ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं क्या? आपको विकास की तेज रफ्तार चाहिए तो वो सिर्फ दमदार सरकार ही दे सकती है, बीजेपी सरकार ही दे सकती है। साथियों, भाजपा की दमदार सरकार का मतलब क्या होता है, ये हमारा अवध बेहतर जानता है, उससे भला अच्छा और कौन जान सकता है। यहां बाराबंकी से लोग राम नाम वाली ईंट लेकर अयोध्या के लिए पैदल निकले थे। जो पहली बार वोट डाल रहे हैं, जो युवा है, उन्हें पता ही नहीं होगा 500 साल के इंतजार के बाद, 500 साल का इंतजार, ये इतिहास की बहुत बड़ी घटना है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वज संघर्ष करते रहे, बलिदान देते रहे, त्याग की पराकाष्ठा करते रहे। 500 साल के बाद, और वो दिन याद कीजिए, लोग जब हमारे रामलला को टेंट में देखते थे, उनके आंसू नहीं सूखते थे और लोग सरकार को जितनी भद्दी भाषा में गालियां दे सके देते थे। लेकिन आज 500 साल का इंतजार खत्म हुआ कि नहीं हुआ? 500 साल का इंतजार खत्म हुआ कि नहीं हुआ? रामलला भव्य मंदिर में विराजित हुए कि नहीं हुए? किसके कारण? किसके कारण? किसके कारण? किसके कारण? अरे भाई, मोदी मोदी मत करो, ये तो आपके एक वोट के कारण हुआ है, ये आपके वोट की ताकत है जिसने एक दमदार सरकार बनाई, एक मजबूत सरकार बनाई और आपका 500 साल का इंतजार समाप्त हुआ। आपका वोट 500 साल का इंतजार खत्म कर सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, कमल के निशान पर बटन दबा के
आगे भी ये दमदार सरकार बनानी है और दमदार फैसले भी लेने हैं। लेकिन साथियों, दूसरी तरफ ये कांग्रेस वाले, ये सपा वाले क्या कह रहे हैं? पहले इन्होंने रामलला को टेंट में पहुंचाया, फिर वोट अपनी वोट बैंक को खुश करने के लिए इन्होंने कहा यहां मंदिर की जगह कोई धर्मशाला बना दो, कोई स्कूल।